गया है धारी देवी मंदिर, और क्योंकि धारी देवी मंदिर हमें दिख गया है तो सीधी सी बात है वहाँ के दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये रात की तस्वीरें हैं माता के भवन की, बहुत मज़ा आया दर्शन में। और अभी जो माता का रूप था वो था जो वृद्ध अवस्था का रूप है। लेट्स ट्रैवल विद इंडियन ट्रैवल एक्सप्लोरर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड सीरीज 2024 में। आज हम आपको लेके जा रहे हैं माँ धारी देवी मंदिर, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक मंदिर है। बात करें आज की ट्रिप की, तो आज हम लोग निकल रहे हैं टिहरी डैम से और जा रहे हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर की तरफ, और तभी हमें रास्ते में दिख जाता है माँ धारी देवी मंदिर। तो देखते हैं पूरी ट्रिप में क्या होता है, आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा ये पार्ट होने वाला है कि हम लोग निकले कहीं के लिए थे और पहुंच कहीं गए। तो देखते हैं 73 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमें क्या कुछ नया मिलता है। फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ये टिहरी डैम है, देखिए सामने दिखाऊंगा मैं, ये आ गया है टिहरी डैम। तो यहाँ से जो है वो पानी छोड़ा जाता है और वो यहाँ के थ्रू पानी नीचे आता है, देखिए। तो ये है टिहरी डैम पे अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, और ये पूरी देखिए सीढ़ियों से भी रास्ता नीचे को जा रहा है। जो डैम के कार्यकर्ता हैं वो लोग यहाँ पर काम करते होंगे जो, और वो रोड भी नीचे जा रही है उस काम के लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं टिहरी डैम पे। जस्ट मेरे पीछे जो है वो है टिहरी डैम, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर ये दिख रहा है। और ऊपर से जो है पानी वो आता है नीचे की ओर जब पानी छोड़ा जाता है डैम में। तो ये था फिलहाल टिहरी डैम का व्यू, और अब चलते हैं आगे की ओर। तो अभी हम लोग जो श्रीनगर की तरफ जाएंगे वो लेफ्ट को जाएंगे, अगर हमें कोटेश्वर बांध की तरफ जाना पड़ता तो बिल्कुल सीधे निकलना पड़ता। तो फिलहाल चलते हैं श्रीनगर की तरफ। जैसे कि हमारे गौरव सर काफ़ी देर से परेशान थे क्योंकि लोगों को भूख लगती है और इनको भूख पड़ रही थी वो भी डट के, और अभी ने चौमिन की एक छोटी सी दुकान दिखी है। तो ये रही वो दुकान। तो आपको कैसा लग रहा है गौरव सर, फाइनली आपने कुछ? बहुत भूख लगी थी, लेट अस सी क्या होता। तो आशा करते हैं कि इन्हें कुछ टेस्टी और हेल्दी खाने को मिले। बहुत देर से कैफे और ढाबा ढूंढने के पश्चात जब आदमी को कुछ नहीं मिला तो फिर ज़मीन से जुड़कर चौमिन खाने का कैसा आपको अनुभव हो रहा है, टेस्ट कैसा है? तो दोस्तों बात करें अगर दिल्ली से धारी देवी मंदिर कैसे पहुंचा जाए, तो दिल्ली से जो धारी देवी मंदिर का डिस्टेंस है वो लगभग 310 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आप लोग अगर अपना प्राइवेट व्हीकल लाना चाहे तो वो भी ला सकते हैं, और अगर आप लोग ऋषिकेश तक आ जाते हैं उसके बाद आप लोग लोकल स्कूटी भी रेंट करके यहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो आप लोग यहाँ पर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो ऋषिकेश है, वहाँ पर आ सकते हैं, और वहाँ से आगे टैक्सी या फिर शेयरिंग कैब्स में आप लोग माँ धारी देवी के टेंपल में पहुँच सकते हैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं श्रीनगर में, और श्रीनगर से जो आगे कोटेश्वर टेंपल जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का डिस्टेंस है लगभग 36 किलोमीटर के आसपास। तो आज हम लोग कोटेश्वर टेंपल ही रुकेंगे, मतलब कोटेश्वर ही रुकेंगे। तो दोस्तों जब हम लोग टिहरी डैम से चले थे तो ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम लोग माँ धारी देवी के मंदिर जाएंगे। हमारा जो प्लान था वो था कि हम कोटेश्वर टेंपल के आसपास कहीं स्टे करेंगे और वहीं से अगली मॉर्निंग जो है वो कोटेश्वर टेंपल हम लोग दर्शन करेंगे। पर रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों को दिख जाता है माँ धारी देवी का मंदिर दूर से, और फिर आ गया हमारे मन में कि क्यों ना माता रानी के दर्शन कर ले सबसे पहले, क्योंकि माता जो है वो चारों धामों की रक्षक देवी हैं। अभी हम लोग जा रहे थे श्रीनगर से कोटेश्वर, तो हमने ध्यान नहीं दिया पर अभी हम लोगों को अभी दिख गया है धारी देवी मंदिर, और क्योंकि धारी देवी मंदिर हमें दिख गया है तो सीधी सी बात है वहाँ के दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग जा रहे हैं धारी देवी मंदिर और उसके बाद जाएंगे कोटेश्वर के लिए। तो ये एक छोटा सा अपडेट था जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं धारी देवी मंदिर के मुख्य द्वार पे। तो जो लेफ्ट में द्वार दिख रहा है ये है माँ धारी देवी मंदिर का मुख्य द्वार। तो अभी आप लोग साइड में यहाँ गाड़ी कहीं लगा सकते हैं दुकानों के सामने, और यहीं से प्रसाद वगैरह लेके हम लोग पहुंच चुके हैं माँ धारी देवी के मंदिर में। देखिए मेरे पीछे जस्ट है माँ धारी देवी का मंदिर, गाड़ी हमने खड़ी कर दी है, प्रसाद हमने ले लिया है। तो अब चलते हैं माँ धारी देवी के मंदिर की ओर। तो दोस्तों आज हम लोग आपको लेके आए हैं माँ धारी देवी के मंदिर में, और माना जाता है कि माँ के यहाँ पर जो कमर से ऊपर का पार्ट होता है उसकी पूजा की जाती है, और जो कमर से नीचे का पार्ट होता है उसकी पूजा की जाती है काली मठ में, और काली मठ में माँ काली के रूप में माता को पूजा जाता है।
तो लास्ट टाइम हम जब धारी देवी मंदिर आए थे तो उस टाइम पे धारी देवी मंदिर का जो पानी था वो थोड़ा मटमैला सा हो रहा था, तो अब ये सी ग्रीन सा हो गया है और अब ये अपने खूबसूरती के चरम पे है। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ पर नज़ारा दिख रहा है हमें, आपको भी दिखाएंगे माँ धारी देवी मंदिर का सुंदर सा नज़ारा। बात करें अगर धारी मंदिर की, तो धारी मंदिर जो है वो श्रीनगर और रुद्रप्रयाग जिले के बीचों बीच पड़ता है। तो ये मंदिर मैंने अभी जैसे बताया था आपको, श्रीनगर से ज़्यादा नहीं बस 8-10 किलोमीटर की दूरी पे था। तो जब हम थोड़ा सा आगे निकले तो हमें दिखा, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना माता के दर्शन भी ज़रूर कर जाएँ, क्योंकि अगर हम लोग पहाड़ों में आ रहे हैं तो पहाड़ों की जो ये देवी कहलाई जाती है वो माँ धारी देवी जी कहलाती हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। और कहा जाता है कि जो माँ धारी देवी जी हैं वो रक्षक हैं चारों धामों की, तो इसलिए भी हमारा यहाँ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। जब हम सीढ़ियों से थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं तो ये थोड़ा सा जो आप देखेंगे यहाँ पर मंदिर स्टार्ट हो जाता है, मंदिर है भैरव देवता जी का, और यहाँ पर फिर शॉप्स वगैरह शुरू होती हैं। माँ धारी देवी जिन्हें उत्तराखंड की संरक्षक देवी के रूप में माना जाता है, साथ में इन्हें चारों धामों की रक्षक देवी के रूप में भी जाना जाता है। माँ धारी देवी का मंदिर भारत में स्थित 108 शक्ति स्थलों में से एक है। आसपास के गाँव के लोगों के अनुसार कहा जाता है कि जो 2013 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इस मंदिर को स्थानांतरित करना ही था। माना जाता है कि अलकनंदा हाइड्रो पावर प्लांट के लिए जो कंपनी थी उसने इस मंदिर को 611 मीटर की ऊंचाई पर कंक्रीट के मंच पर स्थानांतरित कर दिया था, जिसके 2-3 घंटे के बाद ही उत्तराखंड के लोगों ने बहुत बड़ी आपदा का सामना किया। तो ये रास्ता जो है वो सीधा नीचे धारी माता देवी के मंदिर की ओर जा रहा है, तो अभी हम फिलहाल उस तरफ अग्रसर हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मंदिर के बस थोड़े से जो पास हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर दुकानें जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो मंदिर के ऊपर भी आपको भेंट वेट की या फिर प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, और मंदिर के जस्ट मेन गेट के पास भी आपको ये दुकानें मिल जाती हैं, तो आप लोग यहाँ से भी अपने लिए प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। ये जो सामने यहाँ पर मंदिर से सबसे पहले यहाँ पर जूते चप्पल रख सकते हैं आप लोग, ये रखने की जगह बनाई गई है। और यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो लेफ्ट साइड में आपको टेंपल मिल जाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ, देख सकते हैं ऊपर बहुत अच्छी अच्छी लाइनें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ, देखिए तो ये मंदिर का रास्ता है, इस तरफ आप देख सकते हैं। फिलहाल पानी पीछे से कम किया गया है तो आप देख सकते हैं आपको ये विजिबल होगा, जबकि हम पिछली बार जब आप यहाँ पर आए थे तो उस टाइम पे यहाँ पर पूरा पानी 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 हो रखा था। ये वो स्थान है जब माता को 2013 में स्थानांतरित किया गया था, और अब माता को वापस उसी स्थान पर रख दिया गया है जहाँ पर माता का पहले भवन हुआ करता था। और वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो है नया मंदिर, देखिए ये वो नया मंदिर है। तो यहाँ से रास्ता जाता है ना, फ्रंट कुछ मंदिर का यूँ दिखता है, देखिए तो अंधेरा थोड़ा सा होने वाला है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि सुंदरता इस मंदिर की कितनी अच्छी है, बहुत अच्छा यहाँ पर नीचे बनाया गया है बैठने के लिए भी। और ये मंदिर प्रांगण है, देखिए यहाँ पर लाइटें वगैरह भी लगाई गई हैं जो समय समय पर जलते रहती हैं। तो अभी चलते हैं माँ के भवन की ओर। और जो यहाँ पर माँ धारी देवी का मंदिर बना हुआ है वह बना हुआ है अलकनंदा नदी पर, जो कि देखिए अभी नीले कलर की ये पूरी सी नदी है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से पानी को पीछे रोका गया है, वो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर रेत दिख रही होगी वरना ये पूरा जलमग्न होता है। तो चलते हैं माँ के मंदिर की ओर। तो दोस्तों बात करें अगर इस मंदिर की भौगोलिक स्थिति की, तो जो ये मंदिर बनाया गया है यह बनाया गया है अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो डैम है उसके ऊपर। तो ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और चारों तरफ से आप लोग देख सकते हैं बड़े बड़े पहाड़ों से ये मंदिर घिरा हुआ है। और माँ धारी देवी के यहाँ पर आपको 3 अलग अलग रूप अलग अलग पहर में दिखाई देते हैं, उसके बारे में भी मैं विस्तृत से बताऊँगा। जो ये माँ का मंदिर है ये बहुत ही ज़्यादा भव्य और खूबसूरत बन गया है। और ये जो मंदिर है, ये नया मंदिर जो अभी बना है वह है माँ के मंदिर का प्रवेश द्वार। तो अभी हम लोग प्रवेश द्वार की ओर जा रहे हैं।
तो जो माँ की मूर्ति है उसके ठीक सामने है महादेव का शिवलिंग जिसे नंदी जी निहारते हुए, और यहाँ पर भक्तों ने ना अपनी अलग अलग आस्थाओं की वजह से यहाँ पर घंटियाँ बांधी हैं, अपनी चुन्नियाँ बांधी गई है, जो माता से यहाँ पर अर्जियाँ लगाई गई है उसका ये प्रतीक है। तो आपको हर जगह ये घंटियाँ और चुन्नी पूरे मंदिर में दिख जाएंगी। तो पुराने मंदिर से जब ये नए मंदिर में माता को स्थापित किया गया है, तो जो नया मंदिर दोबारा से बनाया गया है उसको बहुत ही भव्य बनाया गया। आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी नक्काशी यहाँ पर दरवाजों पर भी की गई है, तो जो सुंदरता को इस पूरे मंदिर की ना और ज़्यादा बढ़ा देता है। जो बारीकियाँ देख सकते हैं आप लोग दरवाजे पर, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो जब आप मंदिर के दर्शन करके बाहर की ओर आते हैं तो आपको ये दिखती है धूनी। तो धूनी में आप लोग क्या कर जो विभूति है जो टीका है यहाँ से ले जा सकते हैं अपने घर के लिए भी और खुद को भी लगा सकते हैं, और इसको भी माता के आशीर्वाद के रूप में ही माना जाता है। और यहाँ पर आपको परिक्रमा भी करनी होती है तो उस परिक्रमा को भी ज़रूर करें, उसके बाद ही आगे की ओर बढ़े। तो अगर बात करें कि मंदिर खुलता कब है और ग्रीष्मकालीन में क्या होता है और शीतकालीन में क्या होता है, तो वो भी यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं आराम से देख के, और मंदिर इसी अनुसार आप लोग आ सकते हैं। आरती का समय भी यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों एक और चीज़ है जिसको ध्यान में रखने वाली बात है कि जब भी आप किसी मंदिर में जाएँ तो प्रसाद का थोड़ा सा अपना ख्याल जरूर रखें, क्योंकि यहाँ पर बंदर वगैरह होते हैं नेचुरल सा है, तो उससे आपको अपने प्रसाद की रक्षा स्वयं ही करनी होगी। और कृपया करके इन बंदरों को लाठी डंडा या फिर किसी और चीज़ से मारने की गलती ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाप के पूरे पूरे भागीदार होते हैं, क्योंकि कोई भी बंदर आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वह आपसे सिर्फ आपका प्रसाद चाहता है। अगर आप प्रसाद को छुपा के रखेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमने दर्शन कर लिए हैं माँ धारी देवी के, बहुत मज़ा आया दर्शन में। और अभी जो माता का रूप था वो था जो वृद्ध अवस्था का रूप है। तो बेसिकली आप माता तीन बार दिन में रूप बदलती है। पहला रूप होता है मॉर्निंग टाइम पे, वो होता है एक छोटी सी बच्ची का। दूसरा होता है दिन के समय, वो होता है एक युवा स्त्री का। तीसरा समय होता है शाम को या फिर कह सकते हैं रात को, वो होता है एक वृद्ध औरत का। तो यहाँ पर वृद्ध महिला का जो रूप था वो माता का भी था। तो बहुत अच्छे हमारे दर्शन हुए और चलते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों बात करें इस मंदिर की, तो जो ये मंदिर है वे मेन रोड से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, और कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पर टिकट वगैरह नहीं लिया जाता है। जैसे कि कभी कभी किसी किसी मंदिर के दर्शन के लिए आपको टिकट होता है, पर इस माता मां के मंदिर के लिए कोई ऐसी टिकट नहीं है। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ मंदिर है, तो ज़रूर यहाँ पर आएँ। शाम का समय हो चुका है, लगभग 6:30 बज रहे हैं और दुकानें सारी बंद हो चुकी हैं। बस एक आधा दुकान जो ऊपर जो नीचे खुली थी वही खुली हुई है, और एक दुकान मुझे शायद ऊपर खुली हुई दिख रही है। तो अब चलते हैं भैरव बाबा के भी आपको दर्शन करवा देते हैं, क्योंकि अगर माता के आपने दर्शन किए हैं तो भैरव बाबा के भी दर्शन करने आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि तभी आपके दर्शनों की पूर्ति होती है जब आप माता के दर्शन के बाद बाबा के दर्शन भी कर लेते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी आपकी रह जाती है मंदिर से रिलेटेड, कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मैंने शेयर कर दी है, उसमें भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए जिनके साथ आप यहाँ जाना चाहते हैं। ऐसे ही मनोरंजक और एडवेंचरस ट्रिप के साथ मैं आपके साथ आगे भी बना रहूँगा। तो ज़िंदगी में आए हैं तो झूमते रहिए और वीकेंड पे घूमते रहिए। जय माता दी।